2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग को रिझाने के लिए लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं, तो वहीं बात की जाए सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन करके प्रबुद्ध वर्ग को रिझाने में जुटी है। आज रायबरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, रायबरेली जनपद के बछरावा विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज ब्लॉक सभागार में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जहां विपक्षियों पर निशाना साधा, तो वही अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव गरीब की बात मजबूती से सुनी जाती है और उन्हें न्याय मिलता है। विपक्षियों की सरकार में गरीबों को न्याय नहीं मिलता था। कैमरा पर्सन सैलन के साथ अमर प्रताप सिंह, एसके इंडिया न्यूज, रायबरेली। मंत्री जी, आज रायबरेली आना हुआ है, क्या मकसद रहा? आज रायबरेली के बछरावा विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो प्रबुद्ध जन है, जैसे हमारे अध्यापक बंधु हैं, अधिवक्ता भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं या अन्य समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम अपनी बातों को उनके समक्ष रख रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन किए जाने का निर्णय लिया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की बात है, सपा के प्रबुद्ध वर्ग के अध्यक्ष मनोज पांडे जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने देखिए एक वीडियो के बारे में मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना है अखबार में, और मैं फिर कहता हूँ कोई भी व्यक्ति किसी को भी सीमा में मर्यादा में रहने का कर्तव्य करना चाहिए और यदि कहीं कुछ गड़बड़ी है तो आपके भाजपा के जिला अध्यक्ष का बयान वायरल हो रहा है कि उनका कहना कि यादव वर्ग उनके साथ नहीं है, क्या कहेंगे? दरअसल देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी जाति वर्ग को साथ लेकर चलती है, हमारे साथ यादव भाई हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, मतलब कोई ओबीसी बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई बटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास सिद्धांत पर काम करती है। ओवैसी भी हैं यूपी में, कल से आज सुल्तानपुर में है, बगल के जिले में, क्या मानते हो ओवैसी का यूपी में रहना क्या रिजल्ट देगा? दरअसल हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो और ओवैसी जी उसी कार्य में अपने लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई खतरा नहीं है। जब परिणाम आएगा हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कानून की बात करती है, कानून दुरुस्त है, कल ही अभी महाराज में हमारे यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख है उन पर हमला किया गया, मैं बता रहा हूं। इस बारे में पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स है हमने पूरे प्रदेश से उनको साफ कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, यदि कोई आपराधिक कृत्य करेगा हम कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। थैंक यू।